नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रिया एडवेब्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम ग्रिड लाइंस के ऊपर आउटलाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रेफरेंस फ़ोटो के ऊपर किसी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके ग्रिड लाइंस को कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके हम रेफरेंस फ़ोटो के ऊपर ग्रिड लाइंस कैसे बनाते हैं, तो आप इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक आपको आई बटन पर दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी लिंक दे रखी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि शीट के ऊपर मैंने ग्रिड लाइंस पहले ही बना ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रिड लाइंस को मैंने मेज़र कैसे किया है, तो मेज़रमेंट लेने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, कैसे शीट के ऊपर ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, कितने सेंटीमीटर के बॉक्स लेना है, तो इसका भी पूरा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है, एप्लीकेशन का यूज़ करके रेफरेंस फ़ोटो के ऊपर हम ग्रिड लाइंस कैसे बनाते हैं, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शीट के ऊपर हम जब ग्रिड लाइंस बनाते हैं तो ग्रिड लाइंस को मेज़र कैसे करते हैं, कितने सेंटीमीटर की ग्रिड लाइंस बनाना है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमें आउटलाइन कैसे बनाना है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं ग्रिड लाइंस के बारे में ही। यहाँ मैंने रेफरेंस फ़ोटो के ऊपर ग्रिड लाइन बनाने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज़ किया है, इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पर शीट का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि A4 साइज़ की शीट है अगर तो इस पर कितनी ग्रिड लाइंस बनाना है, A3 साइज़ की शीट है तो इस पर कितनी ग्रिड लाइंस बनाना है। इस तरह से आप यहां पर फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोटो का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना एरिया बनाना है फ़ोटो का। फ़ोटो को आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं यहां पे। अगर आप ब्लैक एंड वाइट बना रहे हैं, कलर स्केच बना रहे हैं, तो यहां पर आप फ़ोटो को कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड लाइंस का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको ग्रिड लाइंस का कलर कौन सा रखना है, वाइट ब्लैक, ताकि आपको ग्रिड लाइंस प्रॉपरली दिखे। आप ग्रिड लाइंस की थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, थिकनेस को कम भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही हेल्पफुल है बिगिनर के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा दूसरा वीडियो देखें, मैंने इसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। इस रेफरेंस फ़ोटो के ऊपर जितने रो और कॉलम हैं इनकी नंबरिंग यहाँ पर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कॉलम हैं, यहाँ पर हैं 15 कॉलम और यहाँ पर रो कितनी है, तो यहाँ पर रो है 11। तो इतने ही रो और कॉलम हमने शीट पर भी बनाए हैं। तो हमारी आउटलाइन परफेक्ट बने इसके लिए हम शीट के ऊपर भी अभी लिख लेंगे कि कितने रो और कॉलम हैं। मैंने यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस का मेज़रमेंट लिया है वो 2-2 सेंटीमीटर का लिया है, और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी 2 सेंटीमीटर की है और आड़ी लाइनें भी 2-2 सेंटीमीटर की है। अब हम यहाँ पर ग्रिड लाइंस को बनाने के लिए HB पेंसिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लाइट पेंसिल है, हमें डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जब हम आउटलाइन बना लेते हैं तो हमें ग्रिड लाइंस प्रॉपरली मिटानी होगी, और इसीलिए हम लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी हमेशा आउटलाइन और ग्रिड लाइन बनाने के लिए HB पेंसिल का ही यूज़ करें। अब मैंने अभी आपको नंबरिंग के बारे में बताया था कि यहाँ रो और कॉलम के ऊपर रेफरेंस फ़ोटो में नंबर्स दिए हुए हैं, यही नंबर हम शीट के ऊपर भी देंगे जहाँ हमने ग्रिड लाइंस बनाई हैं कि हमारे रो कितने हैं और हमारे पास कॉलम कितने हैं। नंबर देने से हमें एक फ़ायदा ये भी है कि हमें आउटलाइन बनाने में हेल्प मिलेगी। हमारे पास यहाँ पर 15 रो हैं तो हमने 15 रो पे नंबरिंग कर ली है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ 11 कॉलम है तो हम 11 कॉलम पे नंबरिंग कर लेंगे। नंबर की हेल्प से ही हम यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे, इससे आउटलाइन बनाने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर आउटलाइन बनाना। मैं यहाँ आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ आइज से। आइज़ यहाँ पे हम देखेंगे कितने नंबर पे है, कौन से नंबर पे है। तो आइज़ है यहाँ पे 6 नंबर पे। आप देखेंगे 6 नंबर की रो पे आइज़ बनी हुई है, और अगर आप ऊपर से कॉलम देखेंगे तो कॉलम है यहाँ पे हमारा 4th नंबर पे, 6 और 4। तो यहाँ पे हमने जो शीट पे भी हम यही मेज़र करेंगे कि 6 नंबर और 4 नंबर कहाँ कौन से बॉक्स पे आ रहा है, तो उसी बॉक्स में हम आइज़ को ड्रॉ करेंगे।
आपकी ग्रिड लाइन हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, एकदम सीधी ग्रिड लाइन होनी चाहिए। अगर ग्रिड लाइन आपकी सही नहीं बनी होगी तो आपकी आउटलाइन भी परफेक्ट नहीं बनेगी। अगर आपकी ग्रिड लाइन एक्यूरेट होगी, एकदम परफेक्ट होगी, तो आपकी आउटलाइन भी एकदम परफेक्ट बनेगी, एकदम एज इट इज़ बनेगी। तो आप हमेशा ग्रिड लाइन बनाते हुए ध्यान रखिए कि आपकी ग्रिड लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इस बॉक्स में आइस को ड्रॉ करेंगे। देखिए, सिर्फ हम ग्रिड लाइन की हेल्प से आउटलाइन ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी फ्री हैंड ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड प्रैक्टिस करें, और छोटे साइज़ की ड्राइंग के लिए, जैसे कि A4 साइज़ में अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाएं। इससे आपकी फ्री हैंड प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको ग्रिड लाइंस पे डिपेंड नहीं रहना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे फ्री हैंड प्रैक्टिस ही करें। अब इसी तरह से हम नंबर्स को देखते हुए, यहाँ पे ईयर्स का बन रहा है 6 और सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर के कॉलम पे और 6 नंबर पे जो बॉक्स आ रहा है उसमें हम यहाँ पे ईयर ड्रॉ करेंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी बॉक्स में हम जो भी पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसमें ऊपर नीचे और साइड में कितना एरिया हमें छोड़ना है, ये हम अंदाज़ा लगा के करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर्स के लेफ़्ट साइड में जितना एरिया छूटा हुआ है उतना ही मैंने यहाँ पे छोड़ा है, और जितना कवर है उसमें मैंने ड्रॉ किया है। आप इसी तरह से ध्यान से एकदम स्लोली ड्रॉ करेंगे, आपको जल्दबाजी नहीं करना है आउटलाइन ड्रॉ करते समय, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं बनेगी तो आपका स्केच अच्छा नहीं दिखेगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी, एज इट इज़ नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्केच जो है वो अच्छा दिखे, परफेक्ट दिखे, तो इसके लिए आपको आउटलाइन बहुत ही ध्यान से और स्लोली ड्रॉ करना है। और ध्यान रखें कि हम जो बॉक्स में कितना एरिया छोड़ रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल ध्यान रखें आप। और यहाँ पे जैसे बॉक्स में हम यहाँ पे अभी हेयर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स में यहाँ पे हेयर कितने एरिया में बना हुआ है और कितनी जगह यहाँ पे खाली है। मैं बिल्कुल ध्यान से कर रही हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी स्पीड दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ी सी वीडियो की स्पीड की है, लेकिन मैं बहुत ही यहाँ पे स्लो ड्रॉ कर रही हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे एकदम स्लोली ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर का ध्यान रखें कि 5th नंबर पे नंबरिंग ज़रूर दें। आप ग्रिड लाइन जब बना रहे हैं तो आप नंबरिंग दें, नंबरिंग से हमें बहुत हेल्प होती है आउटलाइन बनाने में। अगर यहाँ पे नंबरिंग नहीं होगी तो हम कंफ्यूज जाएंगे कि कौन से बॉक्स में कौन सा बनाना है। जब हम बड़ी शीट पे काम कर रहे हैं, बड़ी ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि कौन से बॉक्स में क्या बनाना है। तो यहाँ पे हमारी नंबर बहुत हेल्प करते हैं। तो नंबर देख के कौन से रो में, कौन से कॉलम में कौन सा बॉक्स आ रहा है, इस तरह से आप देख कर बनाएं एकदम ध्यान से और स्लोली। इसी तरह से अब हम यहाँ पर दूसरी आई को भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि जो सेंटर वाला बॉक्स है इसमें कितनी स्पेस छूटी हुई है, कितना एरिया कवर कर रहा है ये। अब हम यहाँ पे आईब्रो बना रहे हैं। आईब्रो में यहाँ पे बॉक्स का एकदम नीचे का एरिया कवर है, ऊपर का पूरा छूटा हुआ है। तो आप इसी तरह से थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करके ड्राइंग बनाएं। पहले ऑब्ज़र्व करें कि हमें कितनी जगह में बनाना है, इसमें कितना स्पेस खाली छोड़ना है, उसके बाद आप ड्राइंग करें। एकदम बनाने लग जाना ड्राइंग देखते से ही ये गलत है। पहले ऑब्ज़र्व करो ड्राइंग को, उसके बाद हमें ड्रॉ करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको एक्यूरेट आउटलाइन बनाना है, तो जब आप ग्रिड लाइन बना रहे हों तो आप ग्रिड लाइन का साइज़ छोटा रखें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ग्रिड लाइन जितनी छोटी रखेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी आपकी ड्राइंग में, आपकी आउटलाइन में। मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन का जो साइज़ लिया है वो 2 सेंटीमीटर है, आप इससे भी कम रख सकते हैं। आपकी ग्रिड लाइन जितनी छोटी होगी आपकी ड्राइंग उतनी एक्यूरेट बनेगी।
अब मुझे यहाँ पर जो स्किन की शेडिंग दिख रही है उसे भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको स्किन में कोई शेड दिख रहा है, कोई डार्क एरिया दिख रहा है, तो आप उसे ज़रूर ड्रॉ करें ऑब्ज़र्व करके, क्योंकि जब हम फाइनल पिक्चर बनाते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है कि कहाँ डार्क एरिया छोड़ना है, कहाँ लाइट एरिया करना है। तो आप डार्क एरिया को एक लाइन बना लें ताकि आपको पता रहे कि इसे हमें डार्क करना है। इसके बाद आप जब नोज़ बना रहे होते हैं तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है कि आईज़ के एकदम नीचे बन रही है या कहाँ, तो आप थोड़ा सा पेंसिल की हेल्प लेके या फिंगर से थोड़ा सा मेज़र कर लें इसे कि कहाँ पे बनाना है नोज़ को। और जब लिप्स बना रहे हैं तब भी यही करें। इसी तरह से मैं यहाँ दूसरा ईयर बना रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर में भी आपको शेडिंग दिखाई दे रही होगी कहीं कहीं पर, तो जहाँ भी मुझे शेडिंग दिखाई दे रही है उसे मैं लाइन के थ्रू ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं जब उसे फाइनल ड्रॉ करूँ तो मुझे पता रहे कि कहाँ पे शेड देना है, कहाँ डार्क रखना है। अब हम यहाँ पे हेयर भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। जब आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हों तो आप थोड़ा सा फ़ोटो को ज़ूम करें, इससे आपको मेज़रमेंट लेने में आसानी होगी। और आप आउटलाइन को मिटाने से पहले भी एक बार अपनी ड्राइंग को फ़ोटो से मैच कर लें कि आपने जो आउटलाइन बनाई है वो फ़ोटो की आउटलाइन से मैच कर रही है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो उसे सुधार लें, उसके बाद ही आप ग्रिड लाइन को मिटाएँ। एक्यूरेट आउटलाइन बनाने के लिए जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वो बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप मुझे कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेडिंग के बारे में भी कुछ बातें बताऊँगी कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है शेडिंग करते वक्त, जिससे कि हमारी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक लगे। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी।